बुद्धिमान मछुआ। समुद्र के किनारे रहने वाला एक मछुआ एक दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। उसने जाल को समुद्र में डाला और इंतजार किया। थोड़ी देर में जब जाल भारी लगने लगा, मछुए ने तब जाल को बाहर निकाला। जाल में एक दो मछलियों के साथ साथ एक शीशा भी अटका था। मछुआ शीशे को देखकर आश्चर्य हो गया और शीशे के ढक्कन को खोला। खोलते ही फुश से कुछ काला धुआं जैसे बाहर निकला। वो काला धुआं एक बड़ा सा बादल बना और उसमें से एक भूत निकल आया। मछुआ भूत को देखकर बहुत डर गया। भूत भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कई साल पहले मैं बहुत शक्तिशाली था। लोग मुझसे बहुत डरते थे, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस शीशे के अंदर फंसाकर समुद्र के अंदर फेंक दिया। बहुत सालों तक मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से बाहर निकल गया। मछुआ दंग रहा और कुछ भी बोल नहीं पाया। भूत फिर से बोलने लगा, परंतु मानव, अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मेरे इस शीशे से आजाद होने के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। मछुआ भयभीत हो गया। तब उसको अपने दादाजी की एक कहानी याद आई। फिर उसने बोला, प्रेतात्मा, मैं जानता हूं कि तुम मेरी जान लेने वाले हो, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। भूत गुस्से से पूछा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, जल्दी बताओ। मछुआ बोला, प्रेतात्मा, तुम इतने बड़े पर्वत जैसे हो, मुझे समझ नहीं आया कि तुम इतने छोटे से शीशे में कैसे घुस गए। ये बात मेरी समझ के बाहर है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये मुमकिन कैसे है? भूत बहुत सालों बाद बाहर निकलने की खुशी में अपनी बुद्धि खो बैठा और मछुए को उसके सवाल का जवाब देना चाहा। तुम मूर्ख मनुष्य के ऐसे ही सवाल होते हैं, हा हा हा। अब तुम देखो, मैं इतना बड़ा होने के बावजूद इस शीशे में कैसे घुस सकता हूँ। ऐसा बोलकर भूत अपने रूप को छोटा किया और शीशे के अंदर घुस गया। मछुआ फटाफट ढक्कन को शीशे के ऊपर कस कर बंद करके शीशे को वापस समुद्र में फेंक दिया। बुद्धिमान मछुए को भूत से आखिर में छुटकारा मिल गया। परेशान लोमड़ी। एक गांव में एक कौवा रहता था। एक दिन उसको एक रोटी का टुकड़ा मिला। कौवा टुकड़े को अपने मुंह में पकड़कर एक पेड़ के ऊपर जा बैठा। कौवा रोटी का टुकड़ा खाने ही वाला था, जब वहां पर पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई। लोमड़ी बहुत भूखी थी। कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ये देखकर लोमड़ी को पिछली बार की एक ऐसी ही घटना याद आई, जब एक कौवा अपने मुंह में मांस का टुकड़ा पकड़ कर रखा था और लोमड़ी ने उसको बोला, कौवा कौवा, एक गाना गाओ ना। बिना कुछ सोचे समझे वो कौवा गाने लगा और मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उसको उठाई और भाग गई। ये घटने को याद करके लोमड़ी सोची कि इस बार भी यही करके रोटी का टुकड़ा उठा ले जाऊं। लोमड़ी कौवे की ओर देखी और झूठी तारीफ करने लगी। ओ कौवा, तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर होगी, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये सही है? ऐसा लोमड़ी बहुत मासूम तरीके से पूछी। कौवा लोमड़ी को जवाब नहीं दे पाया। अब कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा है ना? लोमड़ी मन ही मन में खुश होने लगी कि शायद कौवा उसकी चाल में फंसने वाला था। ओ कौवे, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ ना, मैं सुनकर अपने मन को खुश कर लूं। ऐसा लोमड़ी ने कौवे से विनती की। लोमड़ी इंतजार कर रही थी कि हाँ, अब तो किसी भी वक्त कौवा रोटी नीचे गिराएगा और मैं उसे उठा ले जाऊं। लेकिन कौवा तो चालाक निकला।
उसने रोटी के टुकड़े को अपने पंजे में कस के पकड़ा और बोला, ओ लोमड़ी, तुम्हें मेरा गाना सुनने की बहुत इच्छा है ना, तो सुनो। ऐसा बोलकर कौवा का का करके चीखने लगा। लोमड़ी सोचने लगी कि हाय, ये कौवा तो बड़ा चालाक निकला। लोमड़ी बहुत निराश होकर वहां से चली गई। परेशान लोमड़ी को वहां से जाते हुए देखकर कौवा जोर से हंसने लगा। दफा हो जाओ यहां से शातिर लोमड़ी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी चाल समझ नहीं पाया। लोमड़ी की चाल में फंसे कौवे की कहानी मुझे भी पता है। अंत में कौवा पेट भरकर रोटी के टुकड़े को खा गया और खुशी खुशी उड़ गया। दो मित्र। एक राज्य में विजयराज नाम का एक राजा था। वह बहुत कठोर और पत्थर दिल इंसान था। किसी की बात नहीं सुनता था। जो भी उसके विरुद्ध आवाज उठाता था उसको वह कठोर से कठोर सजा देता था। उस राज्य में रवि और शर्मा नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। दोनों को एक दूसरे पर अंधविश्वास था। राजा के अत्याचार देखकर वे चुपचाप नहीं बैठ पाए। एक दिन रवि महाराज के विरुद्ध बात करने लगा। राजा के सैनिकों ने यह सुना और तुरंत रवि को गिरफ्तार किया और राजा के पास उठा ले गए। राजा के सामने भी रवि उनके विरुद्ध ही बात कर रहा था। राजा को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे रवि को कारागार में बंद करते। इस बात का समाचार शर्मा को मिलते ही वह अपने दोस्त से मिलने कारागार आता है। ये क्या हो गया, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। रवि अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे दोस्त, बढ़ने से पहले मैं अपनी माँ और बहन को देखना चाहता हूँ। उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए सब प्रबंध करना चाहता हूँ, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। तुरंत शर्मा राजा के पास गया और अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताया। राजकुमार, मेरे दोस्त रवि को कुछ दिनों के लिए आप जाने दो, जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं उसकी जगह ले लूंगा। राजा बोला, अगर तुम्हारा दोस्त फांसी के समय तक वापस नहीं आया तो सजा तुम ही को मिलेगी। शर्मा ने राजा की बात मान ली। शर्मा का अपने दोस्त पे इतना अंधविश्वास रखना ये देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। रवि को जाने देने से पहले राजकुमार ने इन दोनों की दोस्ती के बारे में पूछताछ किया और फिर राजी हुए। अगर तुम एक महीने के अंदर वापस नहीं आए तो तुम्हारी जगह तुम्हारे दोस्त शर्मा को फांसी होगी। ऐसा बोलकर राजा रवि को जाने दिया। एक महीना खत्म हो गया और रवि अभी तक वापस नहीं आया। उस दिन शाम को राजकुमार कारागार में गया और शर्मा से बोला, जिंदगी में कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करना। अब देखो इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी मौत होने वाली है, मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। उसी समय रवि किले के अंदर प्रवेश हुआ। रवि अपने दोस्त शर्मा के गले मिला और बोला, मैंने यहाँ जल्दी आने की बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। खैर, तुम्हारी कृपा से मैं अपनी माँ और बहन से मिल पाया और उनके खुशहाल जीवन के लिए बंदोबस्त कर पाया। मैं तुम्हारे आभारी हूँ दोस्त। राजा दोनों को देखकर बोला, आज तक मैंने ऐसी दोस्ती नहीं देखी जिसमें कोई अपनी जान को दांव पर लगा सका। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे राज्य में ऐसे लोग भी रहते हैं। ऐसा बोलकर राजा दोनों रवि और शर्मा को वापस जाने दिया। उस दिन से राजकुमार बहुत प्यार और अच्छाई से राज करने लगा। ईमानदारी। रामपुर नामक एक गांव में बाबू नाम का एक मामूली सा व्यापारी रहता था।
वह हर रोज जंगल की लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर डालियों को कुल्हाड़ी से काट रहा था। अचानक से बाबू के हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी के अंदर गिर गई। बाबू बेकरार हो गया और कुल्हाड़ी को खोजने के लिए नदी में कूद गया। बहुत ढूंढने के बावजूद बाबू को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। बाबू बहुत निराश हुआ और पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी कुल्हाड़ी उसको वापस मिल जाए। उसकी प्रार्थना सुनकर गंगा देवी बाबू के सामने पेश आई। देवी बाबू से पूछी, क्या हुआ बाबू, तुम क्यों परेशान हो? बाबू ने जवाब दिया, देवी मेरी रोजी रोटी कमाने का माध्यम सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी थी, परंतु वो पानी में गिर गई। मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे नहीं मिली। देवी बाबू की बातें सुनकर नदी के अंदर गई और सोने की कुल्हाड़ी ले आई। देवी बाबू को वही सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछी, क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी यही है? बाबू बोला, देवी क्षमा कीजिए, पर ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी दोबारा नदी के अंदर गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। फिर से बाबू बोला कि नहीं, ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से देवी नदी के अंदर गई और इस बार बाबू की कुल्हाड़ी ही ले आई। बाबू बहुत खुश हुआ और बोला, ओ देवी यही है मेरी कुल्हाड़ी। बाबू की ईमानदारी देखकर गंगा देवी तीनों कुल्हाड़ियां बाबू के हाथ में सौंप कर गायब हो जाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बाबू अपनी ईमानदारी से ही धनवान बना।